नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। श्रीदेवी के करियर की सबसे अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कौन सी है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप भी श्री एक्टिंग की पावर हाउस श्रीदेवी के फैन हैं तो श्रीदेवी के करियर की अंडररेटेड फिल्म देखना ना भूलें। इस फिल्म की कहानी और ट्विस्ट बेहद दिलचस्प है। फिल्म में संजय दत्त और श्रीदेवी दोनों की एक्टिंग बेमिसाल है। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है गुमराह। 1990 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए काफी दिलचस्प रहा है। इस दौर की शुरुआत दिल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से हुई और अंत हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट लव स्टोरी से है। इस समय में बॉक्स ऑफिस पर कई रोमांटिक फिल्में छाई रही थी, जैसे कि साजन, आशिकी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है। वहीं साल 1993 में बाजीगर जैसी रिवेंज ड्रामा ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन उसी साल एक और फिल्म आई तो जो उतनी चर्चा में नहीं रही थी, लेकिन उसे जितनी तारीफें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यह फिल्म थी गुमराह, जिसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी। गुमराह की कहानी पूरी तरीके से श्रीदेवी के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन से ही वो सभी ऐशो आराम में पली बड़ी है, लेकिन उन्हें केवल अपने पिता के प्यार की कमी महसूस होती है। वो अपनी नानी और माँ के साथ रहती है, लेकिन उनके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। माँ की मौत के वक्त श्रीदेवी को एक बड़ा राज पता चलता है और कहानी में तब मोड़ आता है। यह कोई साधारण फिल्म नहीं है। जैसे महेश भट्ट की डैडी या ट्विस्ट के साथ कहानी आगे बढ़ती है। एक सफल सिंगर बनने के बाद श्रीदेवी एक ड्रग्स रैकेट में फंस जाती है और मौत की सजा का सामना कर रही होती है। हांगकांग में फंसी हुई श्रीदेवी को संजय दत्त की मदद मिलती है, जो एक छोटा मोटा चोर और स्ट्रीट फाइटर है। गुमराह को देखने की सबसे बड़ी वजह श्रीदेवी का शानदार एक्टिंग और महेश भट्ट का बेहतरीन निर्देशन है। फिल्म में सोनी राजदान और अनुपम खेर की परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और अगर आप इसे अब तक नहीं देख पाए तो इसे आज ही आप देख डालिए। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।